Because every thought is going to emit vibration, every thought is going to emit energy. Now there is a different energy and there is a different energy. So again, those cells are going to start vibrating in different disharmony and the disease will come. So in Shiva Yoga, what we are going to do is, what is the most important aspect of Shiva Yoga is Prati Prasav Sadhana. Prati means again and Prasav is born. Born again, it's a rebirthing process. Whatever, why my mind is thinking negatively? Why my mind is reacting negatively to different situations? Where all situations are same, but reactions are different. There are 100 individuals and same incident, and 100 individuals are going to react differently because of their past samskaras. That is what we call sanchit karma. Hum kya bolte hain? Jo sanchit karma hai, uske anurup manushya अपना वर्तमान का कर्म करता है. अगर पिछले कर्म बुरे हैं तो जो भी अच्छी भी घटना होगी उसमें भी वो बुराई को खोजेगा, वो बुराई को देखेगा और फिर वही बोलेगा कि ये तो बुरा ही हो गया. अच्छा व्यक्ति उसके जीवन में आएगा लेकिन उसकी अच्छाई नहीं दिखेगी, उसकी बुराई दिखेगी. महर्षि विशिष्ट बोलते हैं कि आप कोई भी व्यक्ति को जैसा वो है वैसा नहीं देखते, आप हर व्यक्ति में अपना प्रतिबिंब देखते हो. यू ऑलवेज सी योर ओन रिफ्लेक्शन इन एवरी ह्यूमन बीइंग. वो मन के ऊपर पर्दा पड़ गया है. अगर मेरे पे ब्लैक मैजिक हो रहा है तो कहीं मेरे माइंड में मैं तो ब्लैक मैजिक नहीं कर रहा, या मैं कोई एक्शन ऑफ ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहा, या मैंने पास्ट में तो नहीं किया. आई हैव टू रिलीज एवरीथिंग, यू अंडरस्टैंड. एंड एज आई रिलीज माय दिस इंटेलिजेंट माइंड हैज टू कम इन हार्मनी. दैट इज व्हाई द विजडम मस्ट प्रवेल. विजडम, परम सत्य को देखने की क्षमता. जब तक इल्यूजन होगा वो ट्रुथ हम लोग नहीं देख पाएंगे, और जब तक हम ट्रुथ नहीं देख पाएंगे वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल आवर लाइफ.